उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुरा में उस समय सनसनी फैल गई जब शाहजहाँपुरा में देर रात्रि में अचानक हुई दो पक्षों के बीच फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आज देर शाम हुई क्रॉस फायरिंग में यह हादसा हुआ। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, किंतु अस्पताल प्रबंधन ने इमरान और इसरार को मृत घोषित कर दिया। वहीं सोनू को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि शाहजहाँपुरा की सदर कोतवाली के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी में दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। सपा जिलाध्यक्ष के ममेरे भाई मुसीर खान के चेहरे पर गोली मारी गई, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं फायरिंग के दौरान दो सगे भाई इसरार और इमरान को भी गोली लगी थी, जो कि जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं घायल सोनू की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रिपल मर्डर से घटना स्थल पर माहौल गर्म हो गया है, लिहाजा घटना स्थल के साथ पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम व्यापक कर दिए गए हैं। जी हमारा अफसर खान है। ये बताइए किस तरीके से यहाँ पे गोलीबाजी हुई है और किसकी मौत हुई, बता सकते हैं कुछ? भैया ऐसा है कि हमारे पास तो फोन पहुँचा था जी, ठीक है, फोन गया था बहन का, उसने ये कहा था कि मिन्ना ने और क्या नाम इसका इरफान, इन लोगों ने जो है हमारे बहनों को गोली मार दी है, मुशीर को जी, ठीक है। बाकी तो हमें हालांकि कोई बारे में अभी कोई वो नहीं है। आखिर क्या कोई पुरानी रंजिश थी जिस तरीके से? अभी परसों अभी जिस दिन जन्माष्टमी थी तो उनका भाई यहाँ पे खड़े होकर जो है नशे को गालियाँ वगैरह यहाँ दे रहा था बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों ने समझा दिया था, ठीक है, तो इधर हो गया, सब बात खत्म हो गई। लेकिन ये लोग उसी दिन से गुंडे लोग थे, ये तो आए दिन जो है शहर में कहीं किसी से फसाद करते हैं, कहीं गोली चलाते हैं किसी के ऊपर, कहीं धन उगाही करते हैं, सब यही करते हैं, ठीक है, ये इनका काम ही यही है। कुछ लोगों का इसके ऊपर संरक्षण है, हाथ है, तो इस वजह से जो है कुछ वो हो नहीं पाता है। सरेआम इन लोगों ने पूरा मोहल्ला सब इनसे जो है परेशान है, ये इनका काम ही यही है गुंडागर्दी करना। उसी दिन से इन लोगों ने प्लानिंग कर ली कि जो इनके आवाज़ उठाता है खिलाफ, उसी के साथ ये लोग ये ऐसा हादसा करते हैं। कोई इसे पुलिस ने अभी तक कोई किसी पे कार्रवाई की नहीं है? पुलिस जो अपनी कार्रवाई करने की है वो तो अपनी कर रही है फिलहाल, अभी तो जो भी होना है वो तो हो रहा है। अभी कितने लोगों को चोट लगी है, कितने लोग? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं फिलहाल, मुझे अपनी बहनों के बारे में तो जानकारी है, बाकी मैं कह नहीं। क्या नाम था आपके बहनों का? हमारे बहनों का नाम मुशीर है। क्या दी हुई है, क्या कुछ मामला है? ये मुशीर है, हमारे सगे मामा का बेटा है, और इसी से कोई पता चला था कि पड़ोस में इनके पड़ोस मकान इमरान मुन्ना वगैरह है, उन लोगों ने इन पर आगे घर पर भी कल धमकी दी जान से मारने की, बता रहे खुला असला भी लेके कल आए थे, मुशीर ने अवॉइड कर दिया और पता चला कि आज वो निकले होंगे घर से, उस टाइम पे ये लोग यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर नीरू मंडे के पास उनके मकान इनका भी है उसके पीछे, वहाँ से आकर उन्होंने कल भी धमकी दी थी और आज उन्होंने गोली चला दी। किस बात को लेकर धमकी दी थी? अब ये इस चीज़ का तो खुलासा हमें नहीं मालूम, लेकिन रंजिश थी क्या? इनसे बोलचाल चुनाव के समय से बोलचाल चुनाव के समय से बहुत चुनाव चला रहे थे, हमेशा समाजवादी पार्टी हम लोग साथ हमेशा हम लोग। तो तनवीर भाई ये बताइए क्या किसी और की भी गोली लगी है? जो लोग अस्पताल दो लोग कुछ पहुंचे हैं अब इस खबर का हमें जानकारी मिली, हमें तो ये खबर मिली कि मुशीर की गोली लग गई है। हम घर पर थे, फौरन हम लोग आए, हमारे साथ मोहल्लेवासी सभी लोग यहाँ मौके पर आ गए, देखा तो मुशीर की डेथ की इन्फॉर्मेशन मिली। इस घटना को लेकर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी आवास विकास कॉलोनी में एक विवाद में गोली चलने के कारण एक व्यक्ति मौके पर मृत्यु हो गया है, अब दो लोगों को हॉस्पिटल आई गया तो वहाँ उनका मृत्यु हुआ है। तो इस संबंध में मौके का मुआयना किया गया है और परिवारजनों से बातचीत कर रहे हैं, फिलहाल अभी कोई स्पेसिफिक रीज़न बता नहीं रहे हैं, डिटेल इसका इंक्वायरी की जा रही है। ठीक है, थैंक यू।